हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करवा 2020 मसीहार जो बीडी एंट्रान्स आसाला सर्ट क्वेश्चन विषय में। तो बीडी एंट्रान्स आसा ओडिया उपर कत सर्ट क्वेश्चन 10 मार्क सर्ट क्वेश्चन आसता है ओडिया उपर। तो आर्ट्स जो ओडिया सर्ट क्वेश्चन से विषय में आलोचना करवा। देखो लिखा जाइए बैच 2 रो क्वेश्चन, यहाँ बीडी क्वेश्चन आर्ट्स रो 3 नवंबर 2020 मसीह एग्जाम होता। तो ये ओडिया उपर कत जो 10 गोटी सर्ट क्वेश्चन बीडी एंट्रान्स आसाला से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। ये देखो प्रथम सर्ट क्वेश्चन रही है 46 नंबर रे, अणटन ट एवं ठ एवं अणडन ड एवं ढ ये चारिगोटी युक्ताक्षर क्यों वर्गर अंतर्भुक्त बोली प्रश्न कही। तो प्रश्न कही ठ ड एवं ढ ये चारिगोटी जो युक्ताक्षर एगुड़िक के वर्गर अंतर्भुक्त अटंती। तो आम जानते क वर्गर अच्छा क ख ग घ ऊ, प वर्गर अच्छा प फ ब भ म, त वर्गर तथ दध न अच्छा एवं ट वर्गर ट ठ ड ढ ण। तो ये ण अणटन ट अणठन ठ यह ट वर्गर अच्छी। तो यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन डी ट वर्ग। तापर आम देखा 47 नंबर प्रश्न, थ को कहीं दंत्य व्यंजन वर्ण बोली कहुए। तो प्रश्न कही थ को कहीं दंत्य व्यंजन वर्ण बोली कहुए। ऑप्शन देखने आम ऑप्शन ए रही उच्चारण समय रे जीभर आग अंश दांत मूल लगे थ को दंत्य व्यंजन बोली कहुए। ऑप्शन बी कहुची उच्चारण समय रे जीभर आग अंश मूर्धा को लगे बोली। एवं ऑप्शन सी कहुची उच्चारण समय रे जीभर पछ अंश तल को लगे बोली। एवं ऑप्शन डी कहुची उच्चारण समय रे जीभर आग अंश तल को लगे बोली। तो 47 नंबर रो सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन ए। ये जो ऑप्शन ए रही उच्चारण समय रे जीभर आग अंश दांत मूल लगे बोली थ को दंत्य व्यंजन वर्ण बोली कहुए। तो उत्तर टी कौन ना उत्तर टी हूँ उच्चारण थ उच्चारण समय रे जीभर आग अंश दांत मूल लगे बोली थ को दंत्य व्यंजन वर्ण बोली कहुए। तापर आम देखा 48 नंबर सर्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न कही जो पदर क्रिया सहित संपर्क न थाए कौन कहुए। तो प्रश्न कौन कहला जो पदर क्रिया सहित कौन से संपर्क न थाए से पद को कौन कहुए। तो यार ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए विशेषण पद, ऑप्शन बी विशेष्य पद, ऑप्शन सी सर्वनाम पद एवं ऑप्शन डी संबंध पद। तो यार उत्तर टी हम 48 नंबर प्रश्नर उत्तर टी हम ऑप्शन डी संबंध पद। तो उत्तर कौन जो पदर क्रिया सहित कौन से संपर्क न थाए जो पदर क्रिया सह कौन से संपर्क न थाए से पद को संबंध पद बोली कहुए। तो यार उत्तर ऑप्शन डी। तापर आम देखा 49 नंबर 49 नंबर प्रश्न रही झरका पाई काच झरका काच यह के समास अटे। तो प्रश्न कहला झरका पाई काच झरका काच यह के समास। तो ऑप्शन ए रही द्वितीया तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी रही षष्ठी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी रही चतुर्थी तत्पुरुष समास एवं ऑप्शन डी रही पंचमी तत्पुरुष समास। तो 49 नंबर सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न रही झरका पाई आवश्यक होता काच झरका काच यह हूँ चतुर्थी तत्पुरुष समास अटे। तापर 50 नंबर प्रश्न आम देखा ज शब्दर आद्यरे न रही अन्यत्र रहिले क्यों आकार उच्चारित हुए। तो ज अवर्ग्य ज शब्दर आगरे न रहिले न रही अन्यत्र रहिले क्यों आकार उच्चारित हुए। तो ऑप्शन रही ब उच्चारित हुए, म उच्चारित हुए, य उच्चारित हुए एवं व उच्चारित हुए। तो आम देखा 50 नंबर र सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन नंबर सी अर्थात य उच्चारित हुए। तो ज शब्दर आदिरे न रहिले ता य उच्चारित होता है। तापर 51 नंबर आम सर्ट क्वेश्चन को देखा क्यों चारोटी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नुहंती। तो 51 नंबर प्रश्न ये क्यों चारोटी वर्ण स्वतंत्र वर्ण नुहंती। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी एमती ऑप्शन रही। तो 51 नंबर जो उत्तर टी हम ऑप्शन ए ड ढ य ल ये चारोटी व्यंजन वर्ण ये चारोटी स्वतंत्र व्यंजन वर्ण नुहंती। तो उत्तर कौन ड ढ एवं य एवं ल ये चारोटी वर्ण स्वतंत्र व्यंजन वर्ण नुहंती। तापर आम देखा 52 नंबर जो सर्ट क्वेश्चन रही जरे हलंत तापर यपर रे हलंत लरे हलंत लरे भी हलंत तापर ओ एगुड़ी को क्यों वर्ण बोली कहुए। तो
जरल व को क्यों वर्ण बोली कहा जाए तो ऑप्शन ए रही अंतस्थ वर्ण ऑप्शन बी रही ओष्ठ्य वर्ण ऑप्शन सी रही कंठ्य वर्ण और ऑप्शन डी रही तालव्य वर्ण तो यार सठिक उत्तर टी हम ऑप्शन ए जरल व को अंतस्थ्य वर्ण बोली कहा जाए तो उत्तर कौन हम जरल एवं व को अंतस्थ्य अंतस्थ्य वर्ण बोली कहा जाए तापर आम 53 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक देखा र वर्ण रे र फला केते बेले युक्त हुए र वर्ण रे र फला केते बेले युक्त होइथे तो एठी ऑप्शन रहिछि स्वर वर्ण पूर्वर युक्त हेले व्यंजन वर्ण परे युक्त हेले ऑप्शन सी रहिछि व्यंजन वर्ण पूर्वर युक्त हेले एवं ऑप्शन डी रहिछि स्वर वर्ण परे युक्त हेले तो प्रश्न कहितला र वर्ण रे र फला केते बेले युक्त हुए तो एई 53 नंबर सठिक उत्तर टी हेबो ऑप्शन नंबर बी व्यंजन वर्ण परे युक्त हेले व्यंजन वर्ण परे युक्त हेले र वर्ण रे र फला युक्त होइथाय तापर आमे देखिबा 54 नंबर प्रश्नटी रहिछि प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण को कोण कहा जाए तो जे चारि जे वर्ण गुडी जे वर्ग गुडी रहिछि क वर्ग इत्यादि से वर्ग गुडी पंचम बा अंतिम वर्ण को कोण बोली कहा जाए ऑप्शन ए उष्म कहा जाए बी अनुनासिका कहा जाए सी अजग बाह कहा जाए एवं डी अंतस्थ कहा जाए तो आम 54 नंबर सठिक उत्तर टी हम अनुनासिका ऑप्शन नंबर बी हे सठिक आंसर प्रत्येक वर्गर अंतिम वर्ण बा पंचम वर्ण को अनुनासिका बोली कहा जाए तापर अंतिम प्रश्न रही 55 नंबर प्रश्न देखिबा सहर यह क्यों पद अटे सहर यह क्यों पद अटे ऑप्शन ए सर्वनाम पद ऑप्शन बी अव्यय पद ऑप्शन सी विशेष्य पद एवं ऑप्शन डी विशेषण पद तो यार सठिक उत्तर टी हेबो ए 55 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर टी हेबो ऑप्शन नंबर सी सहर टी होची विशेष्य पद तो सहर कौन होची सहर होची विशेष्य पद तो यह 2020 मसीहा बीडी एंट्रेंस केते गुडी शॉर्ट क्वेश्चन तो आशा करूची एही शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को आपन मानको 2022 रो बीडी एंट्रेंस पे हेल्पफुल हेबो तो आज वीडियो रे इतनी।